नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर के अभी 76 गांव में आ गए हैं। आप यहां पे देखिए कि यहां पे जनसमर्थन, और यह जनसमर्थन बता रहा है क्या कि इस बार बदलाव होगा, और बदलाव का बिंगुल कौन बजाएगा तो MBA पास उम्मीदवार मनोज कुमार जी बताएंगे, क्योंकि यहां के मौजूदा मुखिया जी फेल हो गए हैं। इंदिरा आवास, शौचालय, नल जल, यह सारा ध्वस्त है, कोई विकास नहीं हुआ। आइए अब हम बात करते हैं, MBA पास उम्मीदवार मनोज मुखिया जी हैं, किस तरह से बदलाव करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। बदलाव के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जो भी घोटाला हुआ है इंदिरा आवास के नाम पे 25,000-30,000 रुपये पहले ही निकाल ली गई है जबरन। नहीं, पहले बैंक चलो, मेरा हिस्से का पहले पैसा दो, आपका घर का नींव डले चाहे नहीं डले, उससे उनको मतलब नहीं था। पहले अपने पैसे से मतलब था कि मेरा पहला पैसा दे दो। तो इन सब चीज़ को बंद करना है। उनका घर बने, उनका छत तक पूरा ढलाई हो, पहले ही पैसा ले लिया गया, घर का नींव डला ही नहीं, छत तक का बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़ ये रहा है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुखिया जी होते हैं तो सिर्फ अपने पैसे के लिए कि रोड बनाकर उसका कमीशन अपने पैकेट में रख ले, बच्चों के भविष्य पे तो कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। तो मेरा ये जोर रहेगा कि सभी बच्चे का नामांकन स्कूल में हो, बच्चे रोड पे दौड़े नहीं, ये विद्यालय जाएं, पढ़े लिखे और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। तीसरा, नौजवान भाई के लिए प्रत्येक गांव में एक एक पुस्तकालय का निर्माण करना है, ताकि जितने भी नौजवान लोग हैं वो पढ़ें, अपना खुद का रास्ता बनाएं, किसी के पीछे नहीं लगे। पुस्तकालय में नई किताबें आएंगी, मेरे तरफ से हर महीने प्रतियोगिता दर्पण या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए जो भी किताबें ज़रूरी हैं वो सब उनको मुहैया होगा। वो अपना जाएं, वो अपना पढ़ें और अपना भविष्य का रास्ता खुद से तय करें। इस नए सोच के साथ ही समाज का नेतृत्व करना है। ये नहीं कि रोड बनाना है वो तो अपने पैसे के लिए बनाते हैं, लेकिन जनता का भविष्य कौन सोचेगा, उनके बच्चों का भविष्य कौन सोचेगा, ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन वो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि अपना कमीशन का सोचते हैं कि फलना बना लेंगे इतना बचेगा, बस इसका हिसाब रखते हैं। ये गाँव समाज, ये महिलाएँ, ये बुजुर्गों, इन सब का ख्याल कौन रखेगा, इन सब चीज़ में वो सब फेल हैं। तो मेरा ये वादा है आपसे कि महिलाओं के लिए जैसे है, तो महिलाओं के लिए जब भी कोई ऐसा दुर्घटना या फिर कोई घटना हो जाता है तो गांव में एक एम्बुलेंस तक नहीं है, वो इंतज़ार करती हैं भाड़ा का टेम्पू कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ को दूर करना है। मेरे तरफ से, मैं अपने घोषणा पत्र में भी बोला हूँ कि मेरे जीतने के बाद मेरे तरफ से एक निःशुल्क एम्बुलेंस, चलंत एम्बुलेंस।